हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका ट्यूटर ब्रिजेश। करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 39। ये वीडियो नंबर 2 है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चैप्टर विच इज 17 चैप्टर। सो इसके पहले का जो वीडियो था वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की आपको, किस तरह से बनाया जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, दो सिनेरियोज हमने देखे वहाँ पे। एक तो है जो पॉइंट जहाँ से परपेंडिकुलर बनाना है वो आपके लाइन पे है, और एक सिनारियो है जहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना है आपको एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर्टिकुलर लाइन को। तीसरा हमने क्या देखा था, हमने देखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हम अब अप्लाई करेंगे प्रैक्टिस सेट्स में। सो जो पहला सम हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 39 में, वो है ये रहा। ठीक है, मैं इसका भी डेमो बताता हूँ, लेकिन इसके पहले एक आइडिया डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, किस तरह से आप बनाओगे इसको। इसमें आप करने वाले हो लाइन, एक एल बनाओगे आप, और उस पे पी एक पॉइंट मार्क करोगे, पी एक पॉइंट मार्क करोगे, और फिर वहां से सेट स्क्वायर का यूज करके, जैसे आपने एक लाइन बनाया, वहां से वहां पे एक पॉइंट पी मार्क कर दिया। ठीक है, पॉइंट पी है, और वहां से आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है यूजिंग सेट स्क्वायर। ठीक है, सो ये है क्वेश्चन। सो इट इज कौन से सिनेरियो का है, अपने को बनाना परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट विच इज ऑन लाइन। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से बनाना है। लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन टू द डेमो पार्ट। To draw the line L, take any point P on line. So draw line L. So हम लोग एक बनाएंगे लाइन L. Draw a line L. So हम लोग ने एक लाइन L बना दिया. ठीक है, लाइन L बना था. Wait. So I'm drawing a line L. Let us take a line L. This is line L. Draw line L. L. Take any point P on the line. P on the line. यहाँ पे P लेता हूँ मैं. यूजिंग अ सेट स्क्वायर ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एल, मतलब एक अपने को ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो क्या करना पड़ेगा अपने को, यूजिंग अ सेट स्क्वायर। सो आई टेक द सेट स्क्वायर, आई जस्ट कीप द सेट स्क्वायर इन द पोजिशन सच दैट इसका जो बेस लाइन, ये जो लाइन है ना एल, वो इसके बेस को बराबर टच करे। ठीक है, और ये पॉइंट कहीं आगे पीछे आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली इस पॉइंट के थोड़ा सा बाहर जैसा होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। ऐसा एडजस्ट किया, थोड़ा फॉर्मली पकड़ा, यहां से इस तरह से ज्वाइन किया, थोड़ा यहाँ पे आके आपको केयरफुली ज्वाइन करना है, बिकॉज सेट स्क्वायर का वो जो एंड होता है थोड़ा सा कर्व होता है। ठीक है, सो ये हो गया। अब आप इसको लिख लो एक्स सपोज। सो दिस इज यूजिंग सेट स्क्वेयर, सो पी एक्स इज नाउ परपेंडिकुलर टू लाइन एल। ठीक है, पी एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, इजी, इस तरह से बनाना है। ठीक है, सो गाइस, समझ में आया आप लोग को किस तरह से करना है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 39 कर रहे हैं, इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। उसमें उन लोग ने इस केस में डेमो देखेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं एग्जैक्टली करना क्या है। हमें बनाना है एक लाइन ए बी, और परपेंडिकुलर बनाना है उस ए बी को एट पॉइंट बी विच इज ऑन लाइन। अगेन हम क्या करेंगे, कंपस का यूज करेंगे। यहाँ पे हम कंपस का यूज करेंगे, मतलब सेम सिनारियो है। आप एक लाइन बनाओ, ठीक है, एक लाइन बना, और किसी भी पॉइंट, जैसे एक लाइन है, ये आपका एक लाइन है, इस तरह से लाइन है, और किसी भी पॉइंट बी पे आपको, अच्छा पॉइंट बी पे बनाना। सो यहाँ पे सपोज ए है, यहाँ पे है बी, सो यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है, ऐसा परपेंडिकुलर, पॉइंट बी है वो, तो वहां से परपेंडिकुलर बनाना है यूजिंग कंपस। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, डाउट आ सकते हैं, नहीं समझा तो वापस से थोड़ा पीछे करना वीडियो और देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं डेमो पार्ट। ठीक है, लेट अस गो थ्रू दी डेमो पार्ट एंड प्लीज टू अंडरस्टैंड विथ अटर फोकस। ठीक है, चल लेट सी, क्वेश्चन टू की ओर बढ़ते हैं अभी, क्वेश्चन टू की ओर। ठीक है, इजी है ना, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि ड्रॉ अ लाइन ए बी यूजिंग ए कंपस।
यूजिंग कंपास ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट बी। सो हम क्या करना पड़े, हमें क्या करना है, हमें पहले एक लाइन बनानी है, एक लाइन बनानी है ए बी, एक लाइन हमें बनानी है ए बी। सो हमने एक लाइन बना ली ए बी। सो दिस इज अवर लाइन ए बी, इस तरह से ए बी। ड्रॉ अ लाइन ए बी यूजिंग अ कंपस, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट बी। सो पॉइंट बी पे हमें कंपस का यूज करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहां कहां पे, बी पे। सो बी पे परपेंडिकुलर कंपस का वो भी यूज करके करना है। सो ऐसे में क्या करना है आपको, ऐसे में आपको इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसे आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। फिर कंपस में आप कोई भी मेजर ले लो, जैसे बी पे रखो और कोई भी मेजर लिया, टेक एनी मेजर, बी पे रखना है पॉइंटेड पार्ट ऑफ अ कंपस एंड वो जो मेजर है आपको लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट आपको ऐसे मार्क करने, करेक्ट। सो यहां से लेफ्ट और यहां से राइट आपको मार्क करना है। सो आपको ये दो मिल जाएगा सेगमेंट। सो सपोज इसका नाम हम लिखते हैं पी क्यू। नाउ यू आर गेटिंग पी क्यू एज अ सेगमेंट, टेक मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू। पी क्यू जो लेंथ है ना, PQ जो लेंथ है उसका मोर देन हाफ लो और Q पे रखो, क्या पॉइंटेड पार्ट, मोर देन हाफ, ऐसा। सी ये PQ का लेंथ अगर आपने समझा है इतना है, तो ये जो पोर्शन है मोर देन हाफ है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप ऊपर एक आर्क मारो ऐसा और नीचे एक आर्क मारो, ठीक है। फिर P से ऊपर एक आर्क मारना है और नीचे एक आर्क मारना है, इतना समझ में आ गया। तो यू आर गेटिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है, एक्स और वाई। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। एक्स और वाई को जब आप जोड़ने जाओगे ना, तो देखो बी से पास होएगा, वो बी से पास होएगा ऐसा, ठीक है। सो दिस इज द वे हम परपेंडिकुलर बनाते हैं एट पॉइंट बी, करेक्ट। समझ में आ गया, आपने ए और बी लिया एक लाइन सेगमेंट, बी से परपेंडिकुलर बनाने के लिए आपको एक्सटेंड करना पड़ा इसको, तो ऐसा आपने एक्सटेंड किया। उसके बाद बी से कोई लेंथ लेके लेफ्ट काटा, राइट काटा कंपास से, फिर यहां से मोर देन हाफ ऊपर काटा नीचे काटा, यहां से मोर देन हाफ ऊपर काटा नीचे काटा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। देखो यहां पे मोर देन हाफ लिया ना मैंने, ऐसा ऐसा मोर देन हाफ नीचे काटा और ऊपर भी काटा ऐसा, जिस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया, तो आपको एक्स और वाई ज्वाइन करता हुआ दिखा, एंड हेंस दिस इज हाउ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट बी, करेक्ट। लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो कैसा लगा कंपास का यूज करके, कैसा लगा आप लोग को? ठीक है, वो जो पॉइंट बी है वहां पे, वो वहां से जो एक्सटेंशन है उस पर ध्यान देना आप लोग, कि किस तरह से एक्सटेंड किया, ठीक है, वो पार्ट क्रिशियल। अभी देखते हैं हम लोग तीसरा सम, इसमें जो तीसरा जो है वो देखते हैं, ड्रॉ लाइन सी डी और वहां पे एक आपको पॉइंट लेना है जो कि एम है, लाइन आपको सी डी बनानी है, जैसे एक लाइन आप बनाओगे, अभी हम देखेंगे इसका डेमो पार्ट भी देखेंगे, आप एक लाइन बनाते हो वहां पे एक पॉइंट एम लेते हो, वहां पे आप एक पॉइंट एम लेते हो, ऐसे एक एम पॉइंट लोगे और प्रोटेक्टर का यूज करके हम परपेंडिकुलर बनाएंगे सी डी को एट पॉइंट एम। सो वील बी यूजिंग प्रोट्रैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, प्रोटेक्टर यूज करेंगे, विच इज वो क्यों यूज कर रहे हैं, हम एक बनाएंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट विच इज ऑन लाइन, ठीक है। लेट अस सी, डेमो पार्ट में देखते हैं किस तरह से बनाना है ये, सो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस गो थ्रू डेमो पार्ट, वहां पे वीडियो मैंने करके बताया कि एग्जैक्टली कैसे बनाना है। लेट्स गो देयर। ड्रॉ अ लाइन सीडी, सो चलो एक सीडी लाइन बनाते हैं, सीडी जो है एक लाइन हो जाएगी अपनी। सो लेट अस ड्रॉ अ लाइन सीडी, ये आपकी सीडी है, दिस इज लाइन सीडी। टेक एनी पॉइंट एम ऑन द लाइन, लेट अस टेक एम ऑन द लाइन,
यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू सी डी एट पॉइंट एम. सो एम पे आपको परपेंडिकुलर बनाना है यूजिंग प्रोट्रैक्टर. कैसे करोगे? प्रोट्रैक्टर लो, ये जो आपका सेंटर पोजिशन है एम के साथ मैच करो. एम के साथ मैच किया, ठीक है. एम के साथ मैच करने के बाद आप देखो कि एग्जैक्टली ऊपर कहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है. ये रहा 90 डिग्री, यहाँ पे आप मार्क करो 90 डिग्री, हटा दो प्रोटेक्टर को. सो दैट इज वन पॉइंट विच यू आर गेटिंग. फिर आप ज्वाइन कर दो इस तरह से. सो ज्वाइन करना है अपने को. सपोज यहाँ पे इसको एक्स ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट मिला आपका एक्स है. सो एम और ये एक्स को ज्वाइन करो. सॉरी यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया. तो ये ज्वाइन करोगे सो दिस इज योर परपेंडिकुलर. सो आई कैन से एक्स एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी. इजी. थर्ड सम. सो समझ में आ गया गाइस आप लोग को किस तरह से प्रोटेक्टर का यूज करना है. इजी है. इसी तरह के और वीडियोस हम करेंगे. अभी जो एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट 40 है वो आपको अगले क्लास में देखने मिलेगा. सो अगला जो वीडियो होगा प्रैक्टिस सेट 40 का होगा. सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एंड फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक एक काम करना, आप ये सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल अगर आपने, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप शेयर करो वीडियो, साथ ही साथ लाइक करो वीडियो, जिससे ये आपको ना बहुत ये होता है ना कि एक सेट स्टेटमेंट लगता होगा लेकिन आप नहीं जानते इससे कितना फर्क पड़ेगा. कॉन्फिडेंस में किसके? टीचर के. मोटिवेशन में किसको? टीचर को मिलेगा. एक इंस्पिरेशन क्रिएट होगा किसके लिए? बच्चों के लिए, ठीक है. सो शेयर करना जरूरी है, लाइक करो वीडियो को और इसी तरह से अपना सपोर्ट प्यार और डेडिकेशन. सपोर्ट प्यार मेरी तरफ, मेरी मेहनत की तरफ, और डेडिकेशन अपने पढ़ाई की तरफ बनाए रखो, चीजें अच्छी होती जाएंगी. लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर गाइस, बाय बाय.